हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और साथ ही जानेंगे कि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी कौन सी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर मूवी है टोटल धमाल। इस मूवी को रिलीज किया गया था 22 फरवरी 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं अजय देवगन, ईशा गुप्ता, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजय मेहरा और जॉनी लीवर। इस मूवी का बजट था 90 करोड़, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमाई किया था 228 करोड़ का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 9वें नंबर पर मूवी है दबंग 3। इस मूवी को रिलीज किया गया था 20 दिसंबर 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, साई मंजरेकर और सुदीप। इस मूवी का बजट था 105 करोड़ और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 230 करोड़ 90 लाख का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 9वें नंबर पर मूवी है गली बॉय। इस मूवी को रिलीज किया गया था 14 फरवरी 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी। इस मूवी का बजट था 40 करोड़, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 238 करोड़ 16 लाख का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 7वें नंबर पर मूवी है हाउसफुल 4, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति करवंदा। और इस मूवी का बजट था 75 करोड़, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 280 करोड़ 27 लाख का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 6वें नंबर पर मूवी है मिशन मंगल। इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 अगस्त 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा और तपसी पन्नू। और इस मूवी का बजट था 32 करोड़, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 290 करोड़ 59 लाख का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 5वें नंबर पर मूवी है गुड न्यूज। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 27 दिसंबर 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी। और इस मूवी का बजट था 60 करोड़, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 318 करोड़ 57 लाख का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 4वें नंबर पर मूवी है भारत। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 जून 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर और जैकी श्रॉफ। इस मूवी का बजट था 100 करोड़, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 225 करोड़ 58 लाख का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 3रे नंबर पर मूवी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 11 जनवरी 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं विकी कौशल, परेश रावल, यामी गौतम, मोहित रैना और कीर्ति कुल्हारी। और इस मूवी का बजट था 25 करोड़, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 342 करोड़ 6 लाख का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 2रे नंबर पर मूवी है कबीर सिंह। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 21 जून 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी। और इस मूवी का बजट था 60 करोड़, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 279 करोड़ का, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पहले नंबर पर मूवी है वार। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को, और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। और इस मूवी का बजट था 150 करोड़, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 475 करोड़ 50 लाख का, और यह मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों, वार मूवी 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। आपको इन मूवी में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।